हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की नई वीडियो में इसमें मैं आपको लेफ्ट साइड राइट साइड का जजमेंट के साथ साथ फ्रंट का जजमेंट बताने वाला हूं। किस तरह से हमारा फ्रंट का जजमेंट होगा, किस तरह से हम किसी कार के पीछे अगर कार खड़ी करते हैं तो किस तरह से उसको करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको लेफ्ट और राइट साइड का जजमेंट बताते हुए आपको मूवमेंट दिखाऊंगा नैरो रोड में। आप रोड देख सकते हैं राइट साइड में, कितनी मैं रोड के लेफ्ट साइड में खड़ा हूँ तो राइट साइड में आप रोड देख सकते हैं, नैरो रोड है, दो टू वे ट्रैफिक है यहाँ से जाने का वहां से आने का। तो उस कंडीशन में हमारा ड्राइविंग मूवमेंट क्या होगा, लेफ्ट और राइट का जजमेंट कैसे करेंगे हम, और मार्केट लोकेशन में किस तरह से ड्राइव करेंगे फ्रंट का जजमेंट करते हुए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें, आपको जजमेंट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मार्किंग बता देता हूँ, किस तरह से मार्किंग करके मैं मूवमेंट करने वाला हूँ अपनी कार की आगे। फ्रंट के जजमेंट के लिए हमारे को सबसे पहले चीज है क्या है, जो आपका वाइपर है, कार का वाइपर है, इसके नीचे आपको बिल्कुल कुछ नहीं दिखता है। वाइपर के नीचे आपने बोनेट आपको बिल्कुल नहीं दिखता है, वाइपर लास्ट आपको जो दिख रहा है उसके ऊपर का पार्ट दिखता है, फ्रंट में और आपको कुछ नहीं दिखता है। तो आपको फ्रंट का जजमेंट वाइपर के थ्रू, वाइपर जहां तक दिख रहा है उसके साथ किस लेवल में मैच करना है, आपने आगे जो कार खड़ी है या कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ा है तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा फ्रंट का जजमेंट। साथ ही साथ आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ, जो हमारा लेफ्ट और राइट का जजमेंट होगा, जो डेंजर जोन होगा उसके अकॉर्डिंग हम मूवमेंट कैसे करेंगे अपनी कार का। तो आपको डेंजर जोन सबसे पहले बता देता हूँ फ्रेंड्स। डेंजर जोन के लिए आप एक दो मार्किंग करिए। पहली मार्किंग जो कि लेफ्ट साइड के जजमेंट के लिए करनी है हमें, थोड़ा सा लंबा टेप लेंगे हम। ये देखिए येलो कलर का मैंने एक लंबा टेप ले लिया है, इसको मैं इंस्टॉल कर दूंगा। ये मैंने कहाँ इंस्टॉल किया आप नोटिस करिए, मेरे कार की स्टेयरिंग स्ट्रेट है, यहाँ से होल्ड कर रहा हूँ और आप नोटिस करिए, ये जो आर्म पाम स्ट्रेट करेंगे, पिछली वीडियो में भी आपने नोटिस किया होगा ये पाम स्ट्रेट किया हमने, ये एंगल देखिए आप, ये एंगल इस तरह से मेरा पाम जो है फिंगर्स जहाँ जा रहे हैं नोटिस करिए आप उसको, वो डैशबोर्ड के मिडिल पॉइंट तक जा रहे हैं। अगर मैं ऐसे एंगल करता हूँ यहाँ से टेप स्टार्ट करूंगा तो एंगल मिडिल पॉइंट तक, वही इसलिए मैंने टेप जो है येल्लो कलर की टेप लगाई है जो मिडिल पॉइंट तक जा रही है डैशबोर्ड के। डैशबोर्ड का फुल लेंथ लेफ्ट से राइट का डैशबोर्ड जो है ये फुल लेंथ इसके हाफ पार्ट तक जा रहा है, ऐसे एंगल देखिए आप इस तरह से। ये होता है मेरा लेफ्ट जजमेंट थोड़ी दूरी से, 3 से 4 फीट की दूरी से। और राइट साइड का जजमेंट के लिए हम क्या करेंगे, हम एक और टेप इंस्टॉल करेंगे जहां से राइट साइड का जजमेंट कर सकेंगे। उसके लिए हमें दो मार्किंग ध्यान रखनी है, पहली ये कि यहाँ होल्ड करेंगे हम 2 o'clock में, ये राइट साइड का होल्ड किया मैंने, यहां से मैं पाम स्ट्रेट करूंगा तो ये ऐसे स्ट्रेट जाएगा और वाइपर के एंड पार्ट तक। ये देखिए वाइपर के एंड पार्ट तक मैंने ये इंस्टॉल कर लिया, मतलब ये है अब मेरा लेफ्ट साइड और राइट साइड का जजमेंट। अगर आप नोटिस करेंगे मेरे को ये दोनों लाइन के बाहर रखना है, कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा आगे की तरफ राइट साइड से तो मेरे को ये येलो लाइन से बाहर रखना है उसको, ऑब्जेक्ट को अंदर नहीं आने देना है। अगर अंदर आएगा तो डेंजर जोन होगा, हिट होने के चांसेस है, और लेफ्ट साइड से अगर अंदर आएगा तो लेफ्ट साइड से हिट होने के चांसेस है। ये है 3 फीट की दूरी कार से, आपको जो रोड तक दिख रहा है मतलब आपकी कार की एकदम टच के पास, मतलब एकदम टच जो होगा वो चीज नहीं, लेकिन रोड के तरफ जिसका मेजरमेंट आपने लेते हुए कार को आगे बढ़ाना है, दूर से मेजरमेंट जहां आपको दिख रहा है विजिबल आ रहा है आपके वाइपर के ऊपर के पार्ट में, उससे आपने जजमेंट लेना है। ये होगा आपका लेफ्ट साइड का और ये राइट साइड का फ्रंट का जजमेंट। अब आपने नोटिस करना है जब आपकी कार मूव हो रही होगी तो आपने ये जजमेंट लेना है, जब आपकी कार स्टैंड स्टिल है और लेफ्ट साइड में कोई आता है आपके पास से तो आपने उसका जजमेंट किस तरह से करना है। उसके लिए मैं रेड टेप लगा देता हूँ। अब आप देखिए मैं टेप लगा कहाँ रहा हूँ वो चीज नोटिस करिएगा आप। ये आप देखिए रेड टेप एक मैंने लगाई है, ये मैंने कहाँ लगाई है, लेफ्ट साइड का जजमेंट अगर हम करेंगे कंप्लीट लेफ्ट साइड का जजमेंट, जो लेफ्ट साइड कंप्लीटली आपका जो डैशबोर्ड है उसको अगर ध्यान में रखते हुए मूवमेंट करेंगे कंप्लीट लेफ्ट से और ये पॉइंट से बीच में हमारे एक टैग लगाया मैंने रेड कलर का, ये दोनों पॉइंट बीच का डैशबोर्ड के बीच का पॉइंट और कंप्लीट लेफ्ट का पॉइंट उसके बीच में मैंने ये दो पॉइंट को रेफरेंस लिया है और उसके ये दोनों पॉइंट के बीच में एक रेड कलर का टैग लगाया है। इससे हमारा क्या होगा कंप्लीट लेफ्ट का जजमेंट होगा। कंप्लीट लेफ्ट का जजमेंट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मार्केट लोकेशन में आपके पास अगर कोई खड़ा है, आपने कार आगे बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी है,
उसका जजमेंट आप इसी से कर सकते हैं कि अगर ये पॉइंट के बाहर होगा, कोई भी खड़ा है या कोई ऑब्जेक्ट है, तो आप अपनी कार को मूव कर सकेंगे, स्लोली मूव कर सकेंगे वहां से। अभी देखिए बाइक आई है, ये मैं येलो से जजमेंट लिया, फिर देखिए रेड के बाहर गया, तो कम्प्लीटली मेरा मूवमेंट ठीक था, मैं निकाल लिया अपनी कार को। वही सिचुएशन होती है जब भी हम कार को मूव करेंगे, कंडीशन देखते हुए करेंगे कि हमारा मूवमेंट किस तरह से हम कार को ले आ सकते हैं। अभी तो फ्रेंड्स यहाँ कंडीशन देखिए, अगर मैं मूवमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये देखिए आगे ऑटो आया, तो मेरे को ये ध्यान रखना है। देखिए लेफ्ट का जजमेंट कैसे करूंगा, ये रेड टेप के अंदर की तरफ है, आप इसका कॉर्नर देखिए राइट साइड का, ये येलो टेप के अंदर के तरफ है, तो मतलब मेरे डेंजर जोन में है। तो मैंने स्लो कर ली कार अपनी ताकि इसको फॉलो कर सकूं। अब कोई भी, ये देखिए अब ये टोटो आया, ये भी दूर से अगर मैं जहां से मेरे को विजिबल आ रहा है वहां से अगर नोटिस करूंगा, तो ये मेरे येलो टेप के अंदर था। अभी भी आप नोटिस करिए येलो टेप के अंदर है, तो दोनों के बीच में इनफैक्ट मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। तो कहीं भी कंडीशन अगर हम यहाँ पे, अगर ये मूवमेंट इससे बाहर नहीं जाता है, अगर इसके अंदर ही रहता है, अगर बाहर करना होगा तो मैं हल्की सी राइट की तरफ जाऊंगा ताकि उसको बाहर कर सकूं। पीछे का सिचुएशन देखते हुए मैं मूवमेंट करूंगा। अभी सामने से कार आ रही है तो इसलिए स्लो मूव कर रहा हूँ। ये आप देखिए येलो लाइन से अभी भी अंदर की तरफ है, ये कार निकल गई। अब मैं राइट की तरफ गया हूँ, येलो से बाहर किया, जैसे ही पास पहुंचा वो रेड से बाहर है, तो आराम से मैं मूव कर लिया हूँ। तो मेरे पास इतनी गैप थी मेरे को उसका टोटो को ओवरटेक लेने के लिए, मैं कंप्लीट राइट जाके उसको ओवरटेक ले लिया। ये चीज आपने प्रैक्टिस करनी है, सबसे पहले ओपन स्पेस में आपने जजमेंट कम्प्लीटली अपना समझना है कि आपकी कार कितनी दूरी में, कितनी इस कार को जो भी ऑब्जेक्ट है उससे कितनी दूरी में, आपने प्रैक्टिस करना है एज्यूम करके। ये देखिए ये बाइक अंदर की तरफ आई थी, येलो लाइन से जैसे ही अंदर की तरफ आई तो मैंने स्लो डाउन करना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए अभी ऑटो रुक गया था तो मैंने येलो लाइन से बाहर किया, फिर देखा एकदम पास पहुंचा हूँ। ये देखिए यहाँ पे कंडीशन देखिए, यहाँ टर्निंग है तो आराम से मैंने टर्न करते वक्त भी ये येलो लाइन को मैच किया है। आगे आप मार्किंग अगर देखेंगे, या वाइट मार्किंग है जो, उसके साथ अगर मैं मैच करूंगा तो येलो लाइन को, ये वाली येलो लाइन जो मिडिल वाली है उसके साथ मैच करते हुए मैं टर्न लिया था राइट टर्न। अगर यही अगर लेफ्ट टर्न लेना होगा तो मैं अपना रेड वाला टेप जो कंप्लीट लेफ्ट में है, ये टेप से लेफ्ट टर्न लेते वक्त तो मैच करूंगा मैं रोड के कॉर्नर को, जहां जहां मेरे को व्हील्स ले जाना होगा। और राइट का जजमेंट करने के लिए, राइट टर्न लेने के लिए मैं इसका जजमेंट लूंगा या इसका येलो लाइन को मैं फॉलो करूंगा कॉर्नर से, रोड के लेफ्ट साइड में कितना लेफ्ट जा सकती है मेरी कार उसके हिसाब से। अभी देखिए साइकिल मेरे येलो लाइन के अंदर है, एकदम येलो लाइन पे एग्जैक्टली, तो ये देखिए अभी अंदर की तरफ है, तो मैं क्या करूंगा थोड़ा सा राइट जाऊंगा, ये देखिए रेड के बाहर की तरफ लिया, फिर मैं मूवमेंट करनी स्टार्ट कर दी अपनी कार में। सेम सिचुएशन कहीं पे भी आप नैरो रोड में चला रहे हो या आप ट्रैफिक वाले लोकेशन में हो, आपने रोड में जैसे कि आपके आगे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका भी अगर आपने जजमेंट लेना है, तो आप यहाँ से देखते चलिए, मार्केट लोकेशन आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा किस तरह से हमारा मूवमेंट होने वाला है। रोड खराब है, अभी डाउनशिफ्ट करेंगे, फर्स्ट गियर लगा लिया मैंने क्योंकि कार की स्पीड डाउन हो गई थी। अभी जजमेंट आप नोटिस करिए, ये जो साइकिल चल रही है आगे, ये मेरे येलो लाइन के अंदर है। अब जैसे ही हल्का सा बाहर की तरफ करने के लिए मैं लेफ्ट राइट टर्न ले आऊँ, हल्के से राइट टर्न की तरफ गया हूँ, मेरे को आगे स्पेस देखते हुए अपनी कार की मूवमेंट करनी है, तो मैंने नोटिस किया राइट की तरफ लेके गया, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा कि ये रेड टेप, जब तक मैं उसके पास पहुंचूंगा, कम्प्लीटली पास पहुंचूंगा, तो ये रेड टेप से भी बाहर की तरफ हो सकता है। दूर से मैंने जब जजमेंट लगाई तब ये येलो टेप से क्लियर था, लेकिन जैसे ही पास पहुंचा तब तक वो राइट आ गया, मेरे तरफ आ गया, तो क्या कंडीशन क्या हो जाती है। अभी देखिए मेरे पास स्पेस बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, तो मेरे को येलो लाइन से जजमेंट लिया दूर से, फिर पास पहुंचा रेड लाइन से जजमेंट लिया, राइट तरफ जाना पड़ा, थोड़ा सा स्टेयरिंग को राइट की तरफ ले जाना पड़ा ताकि मैं मूवमेंट कर सकूं अपनी कार का। यहाँ सिचुएशन सेम है, अभी आप नोटिस करिए कंडीशन, रोड में कोई भी क्रॉस कर रहा है चाहे जो भी है, मेरे को ये ध्यान रखना है दूर से जैसे ही मैं पहुंचूंगा उसके 3 या 4 फीट की दूरी से, मेरे इस पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ये दोनों येल्लो पॉइंट के बीच में नहीं आना चाहिए। अभी देखिए ये साइकिल मेरे जस्ट पास चल रही थी, रेड टेप के पास में थी, तो मैंने क्या किया स्लो मूव किया, देखा रेड टेप से बाहर हो रही है, तो मैं हल्का सा राइट टर्न जाके फिर मूवमेंट किया जब मेरे को स्पेस दिख गई, क्योंकि रेड टेप पे अगर ये देखिए अभी ये येलो टेप के अंदर की तरफ आया, जैसे ही पास पहुंचूंगा मैं ध्यान रखूंगा ये रेड टेप के बाहर हो, तो अब फिर मैं मूवमेंट करूंगा। लेफ्ट का जजमेंट हम इसी तरह से करते हैं, बहुत ही सावधानी से करना होता है, क्योंकि आप जजमेंट जब तक कर रहे हैं
प्रैक्टिस कर रहे हैं तब तक ठीक है, जब अगर ऐसी सिचुएशन में प्रैक्टिस करने लगेंगे तो हो सकता है हल्की सी भी गलती आपकी सामने हिट हो सकती है। तो आपने बहुत अलर्ट होके करना है अगर ये जजमेंट अगर आप इसके मार्किंग के थ्रू प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए मेरे पास स्पेस नहीं है तो मेरे को इसको फॉलो करना पड़ेगा। अभी स्पेस हो गई है तो हल्का सा राइट जाऊंगा। ध्यान रखा ये टू व्हीलर जो आ रहा था येलो टेप से बाहर जाए, फिर मैंने मूवमेंट करनी स्टार्ट की है। अभी आगे सिग्नल ग्रीन है लेकिन मेरे पास रोड खराब है, आगे मूवमेंट के लिए स्पेस नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, सेकंड गियर में स्लोली मूव कर रहा हूँ। स्पेस मेरे पास है राइट लेफ्ट की जजमेंट के लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जगह अभी देखिए सिग्नल रेड हो गया है तो मैं स्लो करके कार को अपनी स्टॉप कर दूंगा।